सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देख रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट के लिए, और जो नेट के अंदर ज्योग्राफी में जो नेट कर रहे हैं, जहाँ ज्योग्राफी के अंदर जिनको फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देना है उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है सूर्यताप। इस सूर्यताप के अंदर, इंसुलेशन के अंदर हम ये समझने वाले हैं कि किस प्रकार से सूर्य की बनावट है और कैसे वहाँ से सूर्यताप यानी सौर विकिरण वहाँ से निकलती हैं और पृथ्वी पर किस प्रकार से पहुंचती हैं, किस रूप में पहुंचती हैं, किस प्रकार से पृथ्वी को वो गर्म करती हैं, और सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और अंत में हम जानेंगे कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट। चलिए शुरू करते हैं सूर्यताप। तो देखिए सूर्यताप क्या है। सूर्यताप जो है ये सूर्य से निकलने वाली विकिरण है, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा है सूर्यताप। ये सूर्यताप हमारे पास में क्या आ जाएगा, सौर विकिरण आ जाएगी। सौर विकिरण, सौर विकिरण जो है इसे हम क्या कहेंगे, सूर्यताप कहेंगे। अब सबसे पहले सूर्य को समझ लेते हैं कि जो सौर विकिरण निकलेगी वो किस प्रकार से निकलेगी। तो उससे पहले अपन सूर्य को यदि हम समझें तो ध्यान रखेंगे कि सूर्य जो है, जो सूर्य है वो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा रहेगा। एक बात तो ये होगी बड़ा है, और दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि सूर्य जो है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, सूर्य पृथ्वी से औसत, पृथ्वी से यदि हम औसत बात करें तो औसतन 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये तो हो गया हमारे पास में कि सूर्य जो है वो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी से औसतन 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और पृथ्वी यानी इससे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और इसके चारों ओर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। उसके बाद देखेंगे जरा आप कि जो सूर्य है, जो एक सूर्य है ये एक तारा है। ये क्या है, एक तारा है, क्योंकि इसकी जो बनावट है, इसकी जो बनावट है वो कौन सी है, हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और इसकी बनावट किससे मिली बनी हुई है, हीलियम से बनी है। हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम से बनी है। अब यहाँ आप देखेंगे कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है, तो इसकी हम मात्रा की बात करते हैं तो 76% इस पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और 23% जो है, 23% क्या है, हीलियम है, और 1% हमारे पास में जो बचेगा वो रह जाएगा अन्य तत्व। वो क्या रह जाएगा, अन्य तत्व। तो देखिए ये तीन चीज़ें इस पर मौजूद हैं, एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम है और एक अन्य तत्व है। हाइड्रोजन है 76% और हीलियम है 23% और अन्य तत्व 1% है। अब यहीं से पता चलेगा कि ये जो है, इसका जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वो कैसे बनता है। वो बनता है हाइड्रोजन का हीलियम के अंदर टूटना, हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होने की जो क्रिया है उस क्रिया के दौरान प्रकाश उत्सर्जित होता है, प्रकाश क्रिएट होता है। अब ये जो उत्सर्जित होने की जो क्रिया है तो ये कब तक चलेगी, ये जो क्रिया है कब तक चलेगी, या ये प्रकाश कब तक देगा, तो इससे डिसाइड किया जाता है कि जो सूर्य का जीवन काल है, सूर्य का जो जीवन काल है, जीवन काल, तो सूर्य का जीवन काल है 10 अरब वर्ष। इसका जीरो जीवन काल है 10 अरब वर्ष। इसका क्या रहेगा, जीवन काल रहेगा, जिसमें से इसकी आयु, अगर हम आयु की बात करें कि इसकी वर्तमान आयु क्या है, तो इसकी आयु है 5 अरब वर्ष। ठीक है, 5 अरब वर्ष इसकी आयु है, यानी कि इतनी इसकी आयु उसने जी लिया है। 5 अरब वर्ष इसकी आयु हो चुकी है और 5 अरब वर्ष इसके पास में शेष बचे हैं।
तो ये आप आइडिया लगा सकते हैं कि देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होती गई, तो देखिए 23% तो कन्वर्ट हो चुका है, इसके बाद में और 23% जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल हो जाएंगे तो उसके बाद में कन्वर्ट होने की जो क्रिया है वो ख़त्म हो जाएगी, तो इसीलिए इसका प्रकाश भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी इसका जीवन काल जो है वो पूरा हो जाएगा। अब देखिए, यानी इसका प्रकाश जो है, इसका जो प्रकाश है वो कैसे पैदा हुआ, प्रकाश प्रकाश कैसे पैदा होता है, कैसे पैदा होता है, तो प्रकाश पैदा होता है नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा, नाभिकीय नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, संलयन क्रिया के द्वारा होता है, संलयन क्रिया के द्वारा, नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है, पैदा होता है। और ये क्रिया कौन सी होती है, हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होना, ये इसकी क्रिया होती है। तो इतनी बात आपके सामने क्लियर है कि सूर्य ताप है, सौर विकिरण होती है, और सूर्य जो है वो किस प्रकार से पृथ्वी के साथ संबंध देखा हमने, तो ये बनेगा। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो हमारे पास में सूर्य देख रहे हैं हम, कि सूर्य जिस प्रकार से हमारे पृथ्वी है, और पृथ्वी का धरातल है और पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी का ऊपर का सरफेस भी है और अंदर का केंद्र भी है, और पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल भी है। सेम इसी तरीके से हमें सूर्य का केंद्र भी मिलेगा, सूर्य के अंदर केंद्र भी मिलेगा, केंद्र, और सूर्य के अंदर हमें धरातल भी मिलेगा, सूर्य का धरातल भी होगा, और उसके बाद में सूर्य का जो है चारों ओर का आवरण भी होगा, आवरण आवरण भी होगा इस पर, तो चारों ओर का आवरण होगा। देखिए केंद्र की यदि हम बात करते हैं, सूर्य के केंद्र की बात करते हैं, तो सूर्य सूर्य के केंद्र की बात करते हैं, तो केंद्र का जो इसका टेम्परेचर है वो है 2 लाख डिग्री सेल्सियस, 2 लाख डिग्री सेल्सियस इसका केंद्र का तापमान है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ओके। उसके बाद देखते हैं धरातल की बात करते हैं, क्यों है यहाँ का टेम्परेचर इतना अधिक क्यों है, तो यहाँ पर नाभिकीय संलयन की क्रिया जो है वो बहुत ही अधिक फास्ट है, ठीक है, फास्ट क्रिया चलती है यहाँ पे। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अपने को मिलेगा 5840 डिग्री सेल्सियस या 6000 डिग्री सेल्सियस इसको कह सकते हैं, 6000 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर है। और यहाँ पर क्या होती है, नाभिकीय नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन की प्रारंभिक क्रिया होती है, यहां पे प्रारंभिक क्रिया होती है। उसके बाद बात करते हैं तो आवरण आता है इसका, आवरण। अच्छा, दूसरी बात एक और ध्यान रखिएगा कि इसका जो धरातल है, इसका जो धरातल है, इसके धरातल को क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं, फोटो स्फीयर कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। तो फोटोस्फीयर जो है जिसे कहते हैं प्रभाव मंडल, प्रभाव मंडल, प्रभाव मंडल इसे कहा जाएगा। और दूसरी बात करते हैं जो इसके आवरण है, जो इसका चारों ओर का आवरण है, इस आवरण की बात करें तो इसे कहते हैं केमोस्फीयर, केमोस्फीयर कहते हैं, केमोस्फीयर। अब ये केमोस्फीयर जो है इसे कहते हैं रसायन मंडल, रसायन रसायन मंडल कहा जाता है, रसायन मंडल कहते हैं। अब ये जो चारों ओर का आवरण है, इस आवरण से अपन क्या देखेंगे कि इस आवरण में इस केमोस्फीयर के अंदर क्या हो रहा है, यानी गुरुत्वाकर्षण बना हुआ है, इसका गुरुत्व बना हुआ है, गुरुत्व 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 बना है। और इसके गुरुत्व को तोड़ने के बाद सौर विकिरण निकलेगी, ठीक है। अब तक यानी उसका जो ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा है वो किसके रूप में बाहर निकलेगी, सौर विकिरण के रूप में बाहर निकलेगी। तो आवरण जो है यहाँ पर गुरुत्व है, और यहाँ पर इसकी ऊर्जा जो है वो स्टोर है, इसकी ऊर्जा जो एकत्रित होती है, जैसे गुब्बारा फूलता है तो उसमें उसकी ऊर्जा जो है एकत्रित हो रखी है, और जैसे ही वो फूटेगा तो एकदम से यानी जो उसके अंदर ऊर्जा है वो बाहर निकलेगी। तो इसी तरीके से यहाँ से क्या होती है, जैसे जैसे अंदर
ऊर्जा एकत्रित होती जाती है तो दूसरी ऊर्जा जो है वो बाहर की ओर निकलती जाती है, गुरुत्व को छोड़ती जाती है, ऊर्जा बाहर निकलेगी। ये जो ऊर्जा होगी ये किस रूप में बाहर निकलेगी, सौर विकिरण के रूप में बाहर निकलेगी, सौर विकिरण के रूप में बाहर निकलेगी। और इसी सौर विकिरण को हम क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। अब ये जो प्रकाश है जब बाहर निकलेगा उस अपने वायुमंडल को, अपने इसके आवरण को छोड़कर के, गुरुत्व को छोड़कर के जब बाहर निकलेगा उस समय जो इसकी गति होगी, तो गति ध्यान रखेंगे इसकी गति होती है 300,000 किलोमीटर, इसकी गति होती है 300,000 किलोमीटर पर सेकंड, इसकी गति कितनी है 300,000 किलोमीटर पर सेकंड की गति से ये जो है बाहर निकलेगा। अब जब सौर विकिरण निकलेगी बाहर, यानी प्रकाश निकलेगा, ये जो सौर विकिरण होता है ये कौन सी तरंगें होती हैं, तो ध्यान रखिएगा ये लघु तरंगों के रूप में आता है, लघु तरंगों के रूप में ये होती हैं, लघु तरंगे, ये लघु तरंगें होती हैं। तो प्रकाश इसनी गति से निकला और इस गति से वो चलता गया, अनंत तक चलता जाएगा, जहाँ तक उसकी पहुँच है वो जाएगा, पृथ्वी तक भी आएगा। तो पृथ्वी तक ध्यान रखना है, पृथ्वी तक प्रकाश को पहुँचने में जो समय लगता है, इस गति से चलते हुए जो उसको समय लगता है वो लगता है 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है, 8 मिनट और 16 सेकंड का यहाँ पे उसको क्या होगा, समय लगेगा। अब इस समय में वो क्या होगा, पृथ्वी के आवरण में पहुँचेगा, पृथ्वी तक पहुँचेगा। अब पृथ्वी का वायुमंडल आ जाएगा, तो पृथ्वी का वायुमंडल उसको अंदर आने देता है या नहीं देता है, इसे हमें आगे देखना है। तो यहाँ तक की बात को समझना कि वो अपने केंद्र से धरातल पर आया, धरातल से वो ऊर्जा आवरण में आई, आवरण से वो ऊर्जा बाहर निकली। तो देखेंगे जब आप कि आवरण से जब बाहर निकलती है ना, तो उसके बाहर आसपास क्या है कि एक सर्कल बनता है, यानी एक प्रकाशमान सर्कल बनता है जिसको कहते हैं कैरोना, जिसको कहते हैं कैरोना कहा जाता है। ये कैरोना जो है ना, ये सूर्य के चारों ओर की ओर का ददकता हुआ, जैसे अपनी लपटें निकलती हैं, तो लपटें निकलती हैं ना, जब आप उन लपटों को दूर से देखेंगे तो लपटें, जहाँ तक आग जा रही है वो तो ठीक है, आग है, लेकिन आग के बाहर भी उसका जो आप कह सकते हैं कि सेक होता है, जो उसकी गर्माहट होती है, वो भी दूर तक अपने को दिखाई देती है। ये आपको एग्जांपल मिल जाता है गर्मियों के अंदर बहुत अधिक, कि गर्मियों के अंदर जब आप रेगिस्तान में हैं तो आपको दूर रेगिस्तान के जो रेत के टीले हैं उनके ऊपर ऐसे लगेगा जैसे आग जल रही हो। तो ये होता है ऐसा, इस पे इसके चारों ओर भी ऐसा ही प्रतीत होता है। और जब सूर्य ग्रहण होता है, जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय क्या होता है, सूर्य ग्रहण के समय इसके चारों ओर ये वाला पोर्शन जो है, कैरोना पोर्शन जो है वो दिखाई पड़ता है। तो सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाला, जो दिखने वाला पोर्शन होता है, दिखने वाला जो भाग है वो कौन कहलाता है, कैरोना कहलाता है। और ये किस तरीके से दिखता है, ये दिखता है डायमंड रिंग की तरह दिखता है, डायमंड रिंग की तरह दिखाई पड़ता है। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि सूर्य ग्रहण से याद आई बात कि आज 4 तारीख यानी 4 दिसंबर जो है आज शुरू होता है सूर्य ग्रहण, देखा जाएगा आज की तारीख में, देखा जाएगा। ध्यान रखेंगे आज क्या देखा जा रहा है, सूर्य ग्रहण। तो ये है सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण जो है, तो सूर्य ग्रहण इससे पहले 10 जून को हुआ था, 10 जून को देखा गया था, और आज देखा जा रहा है 4 दिसंबर को। लेकिन ये वाला जो सूर्य ग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण 10:59 से शुरू होगा और ये चलेगा 3:07 तक चलेगा, ठीक है। यानी ये लगभग 4 घंटे और 8 मिनट का है इसका टाइम पीरियड, पूरे सूर्य ग्रहण का कंप्लीट होने का, यानी उसके आगे से जो है वो चंद्रमा गुजर जाएगा।
और यहीं पर ही आप देखोगे कि ये जो हमें दिखाई देगा इस बार हमें नहीं मिल दिखने वाला, ये उत्तरी गोलार्ध में नहीं होगा, क्योंकि जो सूरज है वो कहाँ चल रहा है इस समय, वो दक्षिण गोलार्ध में चल रहा है। दिसंबर का समय है, 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ पे होता है, 22 दिसंबर जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो ये हमारे पास में भूमध्य रेखा आती है, भूमध्य रेखा, तो ये भूमध्य रेखा है। और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ देखेंगे आप कि 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहा जाता है। और ऐसे ही 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश है, साउथ अक्षांश है, जिसे मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। तो अभी जो है 22 दिसंबर को कहाँ पे, 22 दिसंबर को ये जो सूर्य है वो कहाँ जाता है, मकर रेखा पे होता है। और कर्क रेखा पे कब आता है, 21 जून को कर्क रेखा पे आता है। इन पॉइंटों को आप अच्छी तरीके से अलग से ध्यान रखेंगे। जून, जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को ये सूर्य कहाँ दिखेगा, भूमध्य रेखा पे दिखेगा। और 23 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर को कहाँ चला गया, मकर रेखा पे। दिसंबर के बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, दोबारा कब आएगा, मार्च, मार्च को कहाँ पहुँच गया है, मार्च को आ जाता है भूमध्य रेखा पे। और मार्च के बाद में अप्रैल, मई और जून, जून को फिर से कहाँ आ गया, कर्क रेखा पे आ गया। पूरे साल भर सूर्य का यही सर्कल चलता रहता है, पृथ्वी इसके चारों ओर घूमती रहती है। कभी सूर्य के सामने कर्क रेखा वाला पोर्शन चला जाता है, तो कभी मकर रेखा वाला चला जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि अब चल रहा है 4 दिसंबर, और आज जो सूर्य ग्रहण जो हमें दिखेगा, तो ये सूर्य ग्रहण कहाँ पे देखा जाएगा, दक्षिण गोलार्ध में देखा जाएगा, दक्षिण गोलार्ध में देखा जाएगा। और दक्षिण गोलार्ध में भी अगर आप देखें तो कहाँ पे मिलेगा, तो ये मिलेगा अंटार्कटिक महासागर के साथ में लगने वाले जो देश हैं, महासागर, अंटार्कटिक महासागर के साथ लगने वाले जो देश हैं वहाँ ये देखा जाएगा। जैसे हम बात करें दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के अंदर, दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी जो हिस्सा है, जैसे चिली हो गया यहाँ पे, ठीक है, चिली और अर्जेंटीना हो गए हैं। फिर दक्षिण अफ्रीका जो देश है, दक्षिण अफ्रीका जो देश है, दक्षिण अफ्रीका देश में देखा जाएगा। इसके बाद हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सारे के सारे जो हैं ये कहाँ के हैं, दक्षिण गोलार्ध के हैं, ये दक्षिण गोलार्ध के देश हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण जो है वो इस बार देखा जाने वाला है, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण के समय जो, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाएगा, पूरा का पूरा सूर्य छिप जाएगा, वो छिपेगा 1 घंटे के लिए, लगभग 12 से लेकर 1 बजे के बीच का समय आएगा वहाँ। तो 1 घंटे के लिए वो छिपेगा ना, तो उस समय जो बाहर का पोर्शन, जब वो सूर्य के चारों ओर का जो पोर्शन हमें दिखाई देगा, जब दिखाई देगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस वाले क्षेत्र को जो कहा जाएगा, तो वो कहा जाएगा कैरोना, उसे क्या कहेंगे, कैरोना कहेंगे, ठीक है। तो ये थी बात हमारी कि ये सूर्य जो है हमने यानी देखा कि कैरोना यहाँ पे आता है, सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाला जो भाग है वो डायमंड रिंग की तरह दिखाई देता है। तो ये था हमारे पास में सूर्य के बारे में हमने देख लिया। अब इस सौर विकिरण को, इस सौर विकिरण को लेकर के आते हैं, इस सौर विकिरण को लेकर के आते हैं, प्रकाश के रूप में लेकर के आते हैं, कहाँ पर लेकर के आते हैं, पृथ्वी पर लेकर के आते हैं। इसको अब हम पृथ्वी पर लेकर के आएंगे। जब ये पृथ्वी पर आएगा तो ये किस तरह से आएगा, लघु तरंगों के रूप में आएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट आप देखते हैं सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले, सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक।
हमने देखा कि किस प्रकार से सूर्य ताप जो है सूर्य की एनर्जी है, और सूर्य एनर्जी जो है वो रिलीज होती है सूर्य से, और सूर्य से एनर्जी रिलीज होने के बाद में अब पृथ्वी पर आएगी, और पृथ्वी पर जब आएगी तो वह कहाँ पर सबसे अधिक पड़ेगी, कहाँ सबसे कम पड़ेगी, हमें वो पोजीशन देखनी है। यानी कि सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला कारक हमारे पास में आता है अक्षांश। जो अक्षांश है, जिस प्रकार से हमने देखा है कि अक्षांशों पर, क्योंकि 0 डिग्री जो अक्षांश होता है यहाँ पर एनर्जी सबसे अधिक पड़ती है, और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो सूर्य की किरणें जो हैं वो तिरछी होती हुई जाएंगी। तो यहाँ पर इसका जो सिस्टम है, यदि हम ये माने कि सूर्य ताप जो है 0 डिग्री पर 100% है, 100% है कहाँ पर, 0 डिग्री पर। तो जैसे हम 0 डिग्री से दूर जाएंगे, जैसे 30 डिग्री पर बात करते हैं, 30 डिग्री पर, उसके बाद हम देखते हैं 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर। तो ध्यान रखेंगे, 0 डिग्री पर यदि 100% ताप पहुंच रहा है तो 30 डिग्री पर हमें मिलेगा 87%, उसके बाद में मिलेगा 57%, और लास्ट में हम देखेंगे 41%। तो ये जो है, ये किस वजह से, अब सूर्य ताप में जो अंतर आया है ये किसकी वजह से आया है, ये आया है अक्षांश की वजह से। तो यानी पहला हमें सूर्य को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा आ गया, अक्षांश आ गया। यदि हम भूमध्य रेखा पर रहेंगे तो हमें 100% ताप प्राप्त होगा, और यदि हम यानी अपने रहते हैं ध्रुवों पर रहते हैं तो हमें 41% यानी 41% यहाँ पर तापमान मिलेगा, और इसी क्षेत्रों में इसी कारण से यहाँ पर क्या होती है, बर्फ जमा रहती है। नेक्स्ट आते हैं वायुमंडल की पारदर्शिता। नेक्स्ट जो हमारा आता है वायुमंडल की पारदर्शिता आती है, पारदर्शिता यानी इसका क्या मतलब हुआ, पारदर्शिता का मतलब है कि वायुमंडल में यदि बादल होंगे, वायुमंडल में यदि बादल होंगे तो बादल क्या करते हैं, सूर्य ताप को अवशोषित कर लेते हैं, सूर्य ताप को अवशोषित कर लेते हैं, जिस वजह से सूर्य ताप जो है धरातल पर नहीं पहुंच पाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि जहां बादल रहते हैं वहां सूर्य ताप कम पहुंचता है, यानी कि बादलों वाला दिन ठंडा होता है, और जहां बादल नहीं होते हैं साफ मौसम होता है वो गर्म होता है। तो ये हो गया यहाँ का कारण। अब इसी कारण से ही आप देखेंगे कि विश्व के जितने भी गर्म मरुस्थल हैं, विश्व के जितने भी गर्म मरुस्थल हैं, गर्म मरुस्थल ये भूमध्य रेखा पर न होकर के, भूमध्य रेखा पर न होकर के आपको ये मिलेंगे कहाँ पर, बादलों रहित वाले क्षेत्र में रहेंगे, जहाँ बादल नहीं है ऐसे क्षेत्र में अधिक अपने को मिलते हैं। ओके, इसके बाद देखेंगे जरा आप, नेक्स्ट चलते हैं अपन, आता है सतह का रंग। सतह का रंग देखते हैं, तो सतह का रंग जितना अधिक सफ़ेद होगा, जितना अधिक सफ़ेद होगा या धवल होगा, धवल यानी कि धोला, जिसको कहते हैं धोला कहते हैं, धवल होगा उतना अधिक सूर्य ताप का रिफ्लेक्शन होगा यानी परावर्तन होगा। तो जितना अधिक परावर्तन होगा, इसका मतलब जो परावर्तन हो रहा है, जो सूर्य ताप टकरा करके वापस जा रहा है, वो पृथ्वी को गर्म नहीं करेगा। तो गर्म नहीं करेगा तो वो सूर्य ताप यानी कि सूर्य एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, वो पृथ्वी को प्राप्त नहीं होगी। तो जितना गहरा रंग होगा उतना अधिक वो उसको क्या करेगा, अवशोषित करेगा। गहरा रंग क्या करेगा, अवशोषित करेगा, अवशोषित करेगा सूर्य ताप को, और उतना ही अधिक वो टेम्परेचर को बढ़ाएगा। गहरा रंग अवशोषित करता है, जैसे कि चावल के जो खेत होते हैं, चावल के खेत होते हैं जो, ये सबसे अधिक अवशोषित करते हैं चावल के खेत। तो इन्हीं को, चावल के खेतों को ग्रीन हाउस प्रभाव में गिना जाता है कि ये ग्रीन हाउस प्रभाव बनाते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव छोड़ते हैं। इसके बाद देखते हैं दिन की अवधि। दिन की अवधि जितनी अधिक लंबी होगी, पृथ्वी को उतना अधिक सूर्य ताप प्राप्त होगा। जैसे कि कर्क रेखा, जब कर्क रेखा पर सूर्य होता है, यानी अगर हम भारत की बात करें तो भारत को सबसे अधिक
सूर्य ताप कब प्राप्त होता है? तो 21 जून को प्राप्त होता है। और जहाँ पर जैसे 22 दिसंबर की बात करते हैं तो वहाँ हमें सूर्य ताप बहुत कम मिलेगा। ढाल के स्वभाव की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे पूर्वी ढाल जो होते हैं, पूर्वी ढाल पश्चिमी ढाल की अपेक्षा अधिक सूर्य ताप प्राप्त करते हैं, तो बात समझ में आई कि जो ढाल का स्वभाव है, क्योंकि सूर्य पूर्व से उदय होता है तो उदय होते ही उसके सूर्य ताप ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, और जैसे बिल्कुल मिड डे आता है हमारे पास में, यानी कि दोपहर का समय आता है, तब तक पूर्वी ढाल एकदम से पूरे सूर्य ताप को प्राप्त कर चुके होते हैं। उसके बाद में दिन ढलने शुरू हो जाता है और पश्चिमी ढालों को इतना अधिक सूर्य ताप जो है, इतनी अधिक एनर्जी नहीं प्राप्त होती। लेकिन इसी के साथ एक पॉइंट और ध्यान रखना कि यदि हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें, ये हमारे पास में 0 डिग्री है, यदि हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध हमसे इस 0 डिग्री से उत्तर में रहेगा, तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर यानी बेसिकली 30 डिग्री अक्षांशों के ऊपर आगे जाएंगे, जैसे उदाहरण के लिए हिमालय है, हिमालय पर्वतमाला पर अगर बात करते हैं, हिमालय पर्वतमाला ठंडे क्षेत्र में आती है, तो वहाँ पर जितने भी पहाड़ी क्षेत्रों में जो मकान बने हैं, जो मानव बस्तियां हैं, वो हमें किस ढाल पर मिलेंगी? वो हमें मिलेंगी दक्षिण पूर्वी ढाल पर, दक्षिण पूर्व के ढाल पर मिलेंगी। अच्छी तरीके से नोट करना क्या कहता है, उत्तरी गोलार्ध में गए हैं तो उसके दक्षिण की ओर, उत्तर में जा रहे हैं तो दक्षिण की ओर ढाल, दक्षिण ढाल पर हमें सूर्य ताप मिलेगा और पूर्वी ढाल पर मिलेगा, यानी दक्षिण पूर्व में मिलेगा। यदि हम बात करेंगे दक्षिण गोलार्ध की यदि हम बात करेंगे तो हमें कहाँ पर मानव बस्तियाँ मिलेंगी? उत्तरी पूर्वी ढाल पर मानव बस्तियाँ मिलेंगी। जैसे कि हमारे पास में क्या है, यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला है, तो एंडीज पर्वतमाला है, दक्षिण अफ्रीका है, और इसके साथ में ऑस्ट्रेलिया जो है, इन क्षेत्रों में आप उत्तरी पूर्वी ढालों पर मानव बस्तियाँ देखेंगे, और हिमालय है, आल्पस है, यहाँ पर आप दक्षिण पूर्वी ढालों पर मानव बस्तियाँ देखेंगे। उसके बाद देखते हैं अपसोर और उपसोर। अप का मतलब अप शब्द, जब आप किसी को अप शब्द बोलेंगे तो वो आपसे दूर जाएगा, यानी अपसोर का मतलब होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, अपसोर कहते हैं, अधिकतम दूरी को अपसोर कहेंगे। तो अपसोर जो होता है ये होता है, यहाँ पर हम देखेंगे अपसोर 3, यहाँ पे देखिए दूर कब होता है, तो देखिए यहाँ पे समय आएगा हमारे पास में 3 जनवरी को यदि हम देखते हैं तो 3 जनवरी को क्या होता है हमारे पास में, उपसौर होता है, यानी कि दोनों के बीच की दूरी कम होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होगी तो उपसौर कहेंगे। और ये समय कब होता है, 3 जनवरी को होता है, और अपसौर कब होता है, 4 जुलाई को होता है। याद रखना बहुत ही आसान है कि यहाँ पर है उप को हम लिखते हैं इस प्रकार से, उप लिखेंगे 3 और 4, यानी 3 तारीख होगी और 4 शब्द हो गए हमारे पास में जनवरी के, तो इस प्रकार से होता है। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच कम दूरी होगी तब हमें सूर्य ताप अधिक मिलेगा, और जब दूरी अधिक होगी तो सूर्य ताप कम मिलेगा। ये है बेसिकली सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए इसके बाद हमें देखना है कि जो सूर्य ताप पृथ्वी तक पहुंचता है, जो सूर्य ताप आता है, सूर्य ताप यानी अब हम देखने वाले हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट, क्या देखेंगे, पृथ्वी का ऊष्मा बजट देखते हैं कि क्या बजट बनता है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट जो है वो किस प्रकार से बनता है।
पुष्मा बजट, हम इसकी बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आती हैं और लौटती हैं। तो देखिए जरा, सबसे पहले बात जो इसमें आपको ध्यान रखनी है, पहली बात देखें कि जो सूर्य ताप आता है, जो सूर्य ताप आएगा, सूर्य ताप आएगा ये किस रूप में आएगा, सौर विकिरण के रूप में आएगा, सौर विकिरण के रूप में आएगा, और सौर विकिरण के रूप में आएगा, और ये कौन सी तरंगें होंगी, लघु तरंगें होंगी, और जब यहाँ से वापस जाएगा तो इसे हम कहेंगे पार्थिव विकिरण कहेंगे, इसे कहेंगे पार्थिव विकिरण कहेंगे, पार्थिव विकिरण। अब ये पार्थिव विकिरण जो होगा ये दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, दीर्घ तरंगों के रूप में एनर्जी जो है वापस जाती है। दोबारा से फिर समझ लेना कि सूर्य ताप क्या होता है, सूर्य ताप होता है ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा होती है, और ये जो ऊर्जा है अगर हम कहें कि ये सूर्य ताप एक मिनट तक लगातार एक वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र पर पड़ता रहेगा, एक मिनट तक लगातार पड़ेगा, तो उस क्षेत्र को 1.93 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। उसे कितनी कैलोरी प्राप्त होगी, तो 1.93 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये सूर्य ताप है प्रति मिनट, यानी एक 1.93 कैलोरी ऊर्जा मिलती है एक मिनट एक वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल को। और विश्व में अगर हम बात करें, विश्व में सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करने वाला जो स्थान है, विश्व में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करने वाला जो स्थान है वो कौन है, सहारा मरुस्थल है। ये सहारा मरुस्थल जो है यहाँ पर आपको मिलेगी 2.41 कैलोरी, यहाँ पर अगर आप चले जाओगे तो कैलोरी आपको 2.41 कैलोरी एक मिनट, हर एक मिनट में मिलेगी और एक वर्ग सेंटीमीटर पे मिलेगी। और अपना शरीर जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है अपने शरीर का क्षेत्रफल जो है, वहाँ पर हर मिनट में अपने को कितनी मिल सकती है, मतलब सैकड़ों में हमें कैलोरी मिलेगी, और इतनी अधिक कैलोरी मिलेगी जो हमें धीरे धीरे, यानी हमारे अंदर इतनी अधिक ऊर्जा चली जाएगी जो हमें अंदर ही अंदर जला देगी। तो देखिए, आपने को कुछ समय के लिए सर्दियों में क्या होना पड़ता है, सूर्य ताप में रहना पड़ता है, क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए होती है। यदि हम सूर्य ताप ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारा जो शरीर है वो पड़े पड़े जुड़ जाता है, तो जो हाथ पैर होते हैं वो अकड़ जाते हैं, इसलिए हमें सूर्य एनर्जी चाहिए होती है। तो ये सूर्य एनर्जी हमें किस रूप में मिलती है, तो आप देख रहे हैं 1.93 कैलोरी मिलेगी हर मिनट और हर एक वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र पर। चलिए, हम बात करने वाले थे पृथ्वी का ऊष्मा बजट की बात करते कर रहे थे कि पृथ्वी पर जो किरणें पहुंचेंगी उसको पृथ्वी कितना यूज करेगी, कैसे यूज करेगी और कितना उसको वापस लौटाएगी, ये ऊष्मा बजट रहेगा। तो देखिए पहले किस प्रकार से सौर विकिरण जो है यहाँ पर पहुंचती है, हमारे पास में सौर विकिरण यहाँ पहुंचेंगी, तो ये सौर विकिरण आप देख रहे हैं जितनी अधिक तिरछी होगी उतना कम सूर्य ताप यहाँ मिलेगा, और जितनी सीधी होगी उतना अधिक यहाँ पे सूर्य ताप प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही देखेंगे, जैसे हमारे पास में पृथ्वी का वायुमंडल शुरू हो जाता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में शुरू होने से पहले ही इसकी कुछ किरणें जो होती हैं वो अंतरिक्ष में ही गायब हो जाती हैं। तो चलिए इसका बनाते हैं अपना पृथ्वी का ऊष्मा बजट। तो देखना एक बार, ये पोर्शन आ चुका है हमारे पास में, ये आ गया वायुमंडल आ गया है, और यहाँ पर है हमारे पास में सूर्य है। अब हम मान लेते हैं कि सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा है, जो सौर विकिरण है, वो 100% आ रही है। यहाँ से कितनी आई, 100%, 100 इकाई के अंदर सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी की तरफ आती है। अब इसमें से 6% जो होती है, 6% ऊर्जा जो होती है ये अंतरिक्ष में ही चली जाती है, ये वापस अंतरिक्ष में ही कहीं खो जाती है, पृथ्वी तक आती ही नहीं। चलिए इसके बाद में क्या होगा, जैसे ही ये वायुमंडल में प्रवेश करेगी तो वायुमंडल में इसको क्या मिलेंगे, यहाँ पे बादल मिलेंगे। तो ये बादल क्या करते हैं, बादल
यहाँ कुछ ऊर्जा को यानी 14% ऊर्जा को यहाँ अपने पास में रखेंगे और यहाँ से 27% ऊर्जा को वापस रिफ्लेक्ट कर देंगे, परावर्तित कर देंगे। 27% क्या हुआ, वायुमंडल के द्वारा, वायुमंडल के द्वारा इसको वापस लौटा दी गई। और अगर उसमें से भी आगे गई है, नीचे पहुंची है, तो वहां से जो हमें मिलेंगे पर्वत होते हैं या जहां पर हिमाच्छादित प्रदेश होता है, हिमाच्छादित जो क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, आप देखते हैं कि बर्फ जो होती है बिल्कुल सफ़ेद होती है, और जितना अधिक सफ़ेद होगा उतना अधिक क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ से 2% जो है ये किसने रिफ्लेक्ट किया है, हिम के द्वारा रिफ्लेक्ट किया गया है। तो देखिए क्या बना, 27 और 6 हो गए हमारे पास में, 33 और 2 हो गए 35, यानी 100% जो हमारे पास में इकाई, 100 इकाई के रूप में जो हमारे पास में सूर्य ऊर्जा आई थी, उसका 35% जो है ये तो पहले ही क्या हो गया, अलग हो गया, ये चला गया। ये यानी कि पृथ्वी को गर्म नहीं करेगा सूर्य ताप, पृथ्वी को ये एनर्जी पृथ्वी को मिली ही नहीं है, ये एनर्जी वापस चली गई है। अब जो एनर्जी मिलेगी उसकी बात करते हैं, यानी 35% तो बाहर चला गया, अंदर कितना आया, तो ये आएगा 65%। 65% जो है ये पृथ्वी के वायुमंडल में आएगा, जो वायुमंडल को गर्म करने में सहायक होगा। अब इस 65 में से 14% तो रख लिया, किसने रखा, बादलों ने रखा। इसके बाद में 51% जो मिलेगा वो मिलेगा किसको, धरातल तक पहुंचेगा 51%। अब ये 51% जो सूर्य ताप है ये क्या करेगा, इस पृथ्वी को गर्म करेगा। पूरा दिन भर पृथ्वी गर्म होती रहेगी, गर्म होती रहेगी, और यहां से बाद में पृथ्वी से इस सभी किरणों को यानी इस 51% को अब लौटाना है। पूरा दिन भर पृथ्वी गर्म हुई, गर्म हुई उसने एनर्जी प्राप्त की, अब जब एनर्जी प्राप्त कर ली तो उसका एक दिन का बैलेंस पूरा हो गया, अब यहाँ से वापस जाएगी। क्योंकि जैसे ही रात होगी दिन भर सूर्य ताप मिलेगा, दिन में क्या होगा, दिन में सूर्य ताप होगा यानी कि सौर विकिरण होगा, ध्यान रखें क्या होगा, सौर विकिरण के रूप में ऊर्जा प्राप्त होगी। और जैसे ही रात्रि होगी, रात को क्या होगा, रात में पार्थिव विकिरण होगा, पार्थिव विकिरण होगा यानी पृथ्वी इस एनर्जी को वापस लौटाएगी। ओके, रात्रि में पार्थिव विकिरण होता है। अब ये ध्यान रखना आपको कि रात्रि में पार्थिव विकिरण कब होता है, तो सबसे अधिक पार्थिव विकिरण 12 बजे मध्य रात्रि को होता है। इसीलिए सुबह 3 से 4 बजे का जो समय होता है, 3 से 4 बजे सबसे ठंडा समय होता है। सुबह 3 से 4 बजे का समय जो है, का समय सबसे ठंडा समय होगा, ये ठंडा समय होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, तो सुबह का हो गया, यानी पूरे दिन भर तो सौर विकिरण प्राप्त हुआ, और जैसे ही सूरज अस्त होता है तो अस्त होते ही पार्थिव विकिरण शुरू हो जाता है, और पार्थिव विकिरण जैसे होता रहेगा तो 12 बजे के लगभग बहुत ज़्यादा पार्थिव विकिरण यानी लगभग सारी एनर्जी जो है वापस लौट जाती है, पृथ्वी ठंडी हो जाती है, तो 3 से 4 बजे बहुत अधिक ठंडी हो जाएगी, और सुबह होते ही वापस से सूर्य ताप फिर से मिलना प्राप्त हो जाएगा। तो यहां तक की बात हमने यहां पर देखी। अब हमें इस 51% को फिर से लौटाना है। चलिए इसको कैसे लौटाते हैं, इसको एक अलग से डायग्राम में देख लेते हैं। सबसे पहले 9% यहां से जाएगा संवहन की क्रिया के द्वारा, संवहन की क्रिया के द्वारा जाएगा। तो यह संवहन की क्रिया जो होती है यानी पृथ्वी के साथ, यानी पृथ्वी गर्म हुई, गर्म होने के बाद में उसके आसपास की हवा भी गर्म होती है, और गर्म होकर हवा ऊपर उठती है, तो हवा ऊपर उठती है तो इस क्रिया को संवहन की क्रिया कहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि एक आती है हमारे पास में वाष्पीकरण आएगा, जो कि जल वाष्प आएगा जिसको हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये गुप्त ऊष्मा जो है ये 19% गुप्त ऊष्मा है, जो कि गुप्त ऊष्मा के रूप में ऊपर जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं
इसके बाद में 17% 17% जो है ये सीधी ही अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी, अंतरिक्ष अंतरिक्ष के अंदर रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी। तो ये होगी हमारे पास में 17 × 34 और 34 और 17 × 51 अपने को पूरे करने हैं, और 6% हमारे पास में यहाँ पे रह गई, 6% जो है 6%। तो ये गुप्त ऊष्मा हुई, ये संवहन की क्रिया हुई, और ये पार्थिव विकिरण होगा, ये दोनों के दोनों पार्थिव विकिरण है। तो अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये जो तीनों पॉइंट हमारे पास में बने हैं, ये तो अंतरिक्ष में चली गई, ये तो बाहर निकल गई वायुमंडल से, लेकिन ये सब जो हैं ये कहाँ पर चले गए, ये वायुमंडल ने अपने पास में रख लिया, इनको वायुमंडल ने अपनी जगह पर अवशोषित किया। तो जो 51% यहाँ पर सूर्य ताप पहुंचा था, इस सूर्य ताप ने पृथ्वी को, पृथ्वी ने अपने आप को बैलेंस किया और पृथ्वी का औसत टेम्परेचर बन गया कितना, 15 °C। तो ये हो गया औसत तापमान, औसत तापमान बन गया 15 °C। तो पृथ्वी ने अपने को संतुलित किया और उसके बाद ये चला गया कहाँ पे, वायुमंडल के पास में। अब वायुमंडल इससे अपने आप को गर्म करेगा, अपने आप को संतुलित करेगा, तो वायुमंडल इससे प्राप्त करेगा और बना देगा इसका टेम्परेचर जो है, औसत टेम्परेचर कितना बन जाएगा वायुमंडल का, तो औसत तापमान बन जाएगा -19 °, इसका तापमान रहेगा। तो ये वायुमंडल का औसत तापमान होता है -19 °, और ये औसत तापमान होता है पृथ्वी का 15 °C। क्लियर है, ओके। इसके बाद में वायुमंडल आगे इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, तो जितनी ऊर्जा पृथ्वी के पास में पहुंची थी पृथ्वी ने उसको वापस लौटा दिया, अगले दिन फिर से आएगी इसके पास में ऊर्जा और फिर रात्रि को लौटा देगी। इस प्रकार से सूर्य ताप चलता रहता है। तो ठीक है, ये था हमारे पास में सूर्य ताप, और ये जो 35% ऊर्जा है जो पृथ्वी पर पहुंची ही नहीं, इसे कहते हैं पृथ्वी का दवलता, इसे कहते हैं पृथ्वी की दवलता कहते हैं, ये कहलाता है एल्बिडो, इसे कहते हैं पृथ्वी की एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, तो ओके, आज का टॉपिक अपना जो है ये समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।